हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिनको लेकर हम लगातार बात कर रहे थे कि उनकी तरफ से इस चुनाव में बहुत दमखम लगाया गया, हमारे साथ जुड़े। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद जी। दीपेंद्र हुड्डा जी, आपसे बात करूंगा मैं। देखिए, हार जीत अलग विषय है, पर जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, 51,600 से ज्यादा वोटों का, इसको कम नहीं कह सकते हम, क्या कहेंगे? जी हाँ, और मैं इससे प्रतिक्रिया ये दूंगा। सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद, किसी भी पार्टी के लिए आपने मतदान किया जी, आपने लोकतंत्र को मजबूत किया, और जो जीते हैं प्रत्याशी भव्य जी, उनको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं, वो लोगों की आशाओं पे पूरा उतरने के लिए प्रयास करें। साथ ही जो 52,000 मतदाताओं ने जिनने हमको आशीर्वाद दिया और कांग्रेस की एक बहुत ही सम्मानजनक जी, चलिए लगता है संपर्क टूटा है, फिर से जोड़ने का प्रयास करें। दीपेंद्र हुड्डा एक बात कर रहे थे कि जिनको भी जनता ने वोट दिया है उन सबका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, और लगभग 52,000 लोगों ने। चलिए दीपेंद्र जी बोलिए, आप सुन पा रहा हूं आपको मैं। हाँ जी, तो मैं जिन मतदाताओं ने हमें आशीर्वाद दिया उन सभी का विशेष तौर पर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, सभी का करता हूँ, लेकिन जिन्होंने हमें साथ दिया, हमारा बहुत उत्साह बढ़ा और आने वाले भविष्य को लेकर हम बहुत आगाहवान हुए। और मैं बताना चाहता हूँ दो तीन जो बातें आपको, जिसको लेकर हम आज क्यों संतुष्ट हैं, क्यों खुश हैं। देखिए, ये आज तक 50 साल के इतिहास में इस सीट पर चौधरी भजनलाल जी के परिवार के विरुद्ध कोई चुनाव लड़ने में सबसे ज्यादा आज वोट किसी ने हासिल करी है तो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, जयप्रकाश जी ने हासिल करी 52,000। इससे पहले कभी कितनी वोट नहीं आए, पहला। दूसरा, कुलदीप बिश्नोई जी जब कांग्रेस से लड़े थे तो उनकी 30,000 से जीत हुई थी पिछले सामान्य चुनाव में, जबकि उस समय भाजपा सरकार बनने की बातें चल रही थी, लेकिन 30,000 से जीत हुई। उसके बावजूद अब सरकार बनी हुई है, अब उपचुनाव है, बीजेपी की सरकार बनी हुई है, भाजपा जसपा का गठबंधन था, और गठबंधन के और सरकार के और उपचुनाव के बावजूद मार्जिन बढ़ने की बजाय या उतना ही रहने के बजाय आधा हो गया। तीसरा, पिछले लोकसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी थे हिसार से, विजेंद्र सिंह जी भाजपा के, दुष्यंत चौटाला जसपा के, और कुलदीप बिश्नोई जो हमारे कांग्रेस के थे। आज तीनों एक स्टेज पे आ गए, तीनों एक साथ आ गए, तभी शुरू में 1,00,000 पार की बात की गई, ऐसा लगा कि शायद वहां पे कोई मुकाबला दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने एक अच्छा मुकाबला दिया, ये इससे हमें बड़ी खुशी है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी बार जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी 2014 से पहले, 2014 में कांग्रेस ने बिना भजनलाल परिवार के एक उम्मीदवार दिया यहाँ से, तो हमारी 10,000 वोट आई, सत्येंद्र आदमपुर करके जो उम्मीदवार है उनको दिया हमने, 10,000 वोट आई थी कांग्रेस पार्टी की, आज वो हमारी वोट 52,000 पे पहुंच गई। तो यानी कि ये एक संकेत है और ये एक संदेश है कि कुलदीप बिश्नोई जी तो भाजपा में चले गए, लेकिन कांग्रेस का जो वहां पर जो लोग हैं, लोगों ने बराबर का मुकाबला किया, और आज हम इस बात को लेकर हम संतुष्ट है अपने प्रदर्शन को लेकर। चुनाव लड़ा आप लोगों ने बेहतरी के साथ, लेकिन एक बात सामने आती रही कि कांग्रेस पार्टी में या तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, इन तीनों के तिकड़ी मैदान में मजबूती के साथ खड़ी दिखी, बाकी और लोगों को लेकर क्या कहेंगे, क्या वो मैदान में दिखे, उनकी रणनीति, आप लोगों की रणनीति थी किस तरह से? कांग्रेस के अगर सारे लोग नहीं होते, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नहीं लगते, तो कांग्रेस 10,000 से 52,000 वोट पे नहीं पहुंचती। तो जो आप तिकड़ी कह रहे हो, केवल इस तिकड़ी को आप इतनी बड़ी क्रेडिट देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। कांग्रेस के सभी तमाम नेता और सभी कार्यकर्ता वहां लगे, तभी हमारी 5 गुना से ज्यादा वहां हमारी वोट भी बढ़ी, तभी इलाहाबाद उपचुनाव में जहां कांग्रेस 10,000 पे आ गई थी, उसके बाद पंजाब चुनाव हुआ तब आम आदमी पार्टी की बात चली उसमें, उसके बाद तो और स्थिति, वहां से लेकर इलाहाबाद 7 लगती हुई सीट है, इस सीट पे हम 52,000 पे आ गए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इस चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रदेश की राजनीति के लिए एक पहलू है जी, पूरा जोर, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि तीनों एक तरफ हो गए, विजेंद्र सिंह भाजपा वाले, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस वाले, और दुष्यंत चौटाला जेजेपी वाले, तीनों जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा वहां से तीनों एक पाले में खड़े हो गए। लोगों ने सोचा कि आदमपुर के अंदर बाकी पार्टियों की भी नजर पड़ी, और आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगाया, 4 बार केजरीवाल जी स्वयं आए, 3 बार भगवंत मान जी आए, दूसरी ओर इनेलो ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन लोगों ने एक और संकेत साफ दिया है कि हरियाणा में लोग किसी भी परिस्थिति में जो है 2024 में सीधा मुकाबला सरकार बनाम कांग्रेस पार्टी का, छोटा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार को चुनौती दे,
लोगों ने ये जनादेश भी एक दिया है। अभी तो लोग चयन करते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का चयन लोग ही करते हैं और लोगों ने वो चयन भी कर दिया है। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि हमारी कुलदीप बिश्नोई को भी सुन रहे थे, उनके तरफ से कहा गया, दीपेंद्र जी उनके तरफ से कहा गया कि ये हार जो है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है। ये किसने कहा? ये कुलदीप बिश्नोई ने कहा। देखिए कुलदीप बिश्नोई जी तो ये भी कह रहे थे, उन्हीं की तरफ से कहा गया कि 30,000 से एक भी वोट कम हो जाएगी तो मैं उसको जीत ही नहीं मानूंगा। आपको मैं वीडियो भेज देता हूँ, आप चलाइए अपने दर्शकों के लिए वो। जी बिल्कुल। और मैं राजनीति छोड़ दूंगा 30,000 से एक भी वोट कम हो जाए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जब कांग्रेस में 30,000 का मार्जिन था इस सीट से, तो उनको लगता था कि शायद भाजपा में और बड़े सरकार है, उपचुनाव है, जेजेपी भी साथ आ गई, लेकिन मार्जिन तो आधा हो गया। अभी वो संगठन को लेकर मैं आपसे बात करूंगा दीपेंद्र जी, संगठन को लेकर बात करूंगा, संगठन और मजबूत होता, हालांकि आप लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सांगठनिक तौर पर काम करने की जरूरत तो लगती है कांग्रेस पार्टी को, अगर वो और मजबूत होता तो क्या फर्क पड़ सकता था? हमारा संगठन मजबूत है और मजबूत हुआ है, तभी अहमदाबाद में जहाँ कांग्रेस 10,000 पे थी आज वहाँ 52,000 पे आ गई, जो की एक चौधरी भजनलाल जी गढ़ रहा जी, सारे लोग वहाँ पे एक हो गए उसके बावजूद जी। तो ये भाजपा जजपा देवीलाल परिवार भजनलाल परिवार सभी लोग एक हो गए, लेकिन फिर भी हम आज इस मुकाबले में आ गए जी। मात्र 4 महीने पहले इलाहाबाद चुनाव हुआ, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसी बात का परिणाम है कि संगठन में मजबूती आई है और इसीलिए हम आशावान हुए हैं। और जो कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, मैं एक और उनकी स्टेटमेंट अभी देख रहा हूँ दूसरे फोन पे, वो कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस वालों की धूल चटा दी, तो ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये 52,000 लोग जो कांग्रेस को वोट देती है तो कांग्रेस के हो गए, आपके हलके में ये 40% से ज्यादा बनता है, तो क्या 40% लोगों को आपने धूल चटा दी अपने हलके में? क्या ये भाषा ठीक होनी चाहिए? हम भी कह सकते हैं कि हमने पसीने छुटवा दिए आपके, लेकिन हम नहीं कह रहे, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अच्छा काम करें, आज आपको वहां से जीत मिली है, हमें हमारे को नैतिक जीत मिली, हमारा मनोबल ऊपर हुआ, आपकी जो वहां से अधिकृत जीत हुई है तो हम तो शुभकामना दे रहे हैं। तो ये भाषा का पे संयम जरूर होना चाहिए, लेकिन ये उनकी इच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आदमपुर के लोगों ने एक संकेत दिया जो हरियाणा की राजनीति के भविष्य में ये संकेत। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक और संकेत इसमें आप दूंगी जी। ये इतने मार्जिन से तो उपचुनाव में भालू जीत गए थे बड़ौदा से, जिसमें से कुलदीप बिश्नोई जीते, और कहा जाता था कि हुड्डा साहब का और मेरा ये क्षेत्र में ज्यादा हमारा प्रभाव है। आज ये ऐसे क्षेत्र के अंदर जो इस प्रकार से लोगों ने जो साथ दिया, तो ये एक संकेत है कि पूरे हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में लोग छत्तीस बिरादरी का समर्थन हमें मिल रहा है पूरे हरियाणा में जी। और आने वाला समय कांग्रेस एक और सवाल, छोटा सा अंतिम सवाल, गढ़ को लेकर बात होती रही कि ये गढ़ जो है कांग्रेस पार्टी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कहते रहे कि ये गढ़ तो कांग्रेस पार्टी का है, और कुलदीप बिश्नोई या फिर बीजेपी या तमाम वो लोग जो समर्थक रहे भव्य बिश्नोई के, उनके तरफ से कहा गया कि उन्हीं का गढ़ है और बीजेपी की नीतियों की जीत होगी, ऐसा कहते रहे। ये गढ़ परंपरा क्या आपको लगता है कि प्रदेश में कहीं अभी बनी हुई है या ये टूटती रही? नहीं, गढ़ की बात जहां तक बात है, मेरा हमेशा इसमें एक बात रही है, गढ़ दो होता है लोगों का, नेताओं का घमंड होता है जी, और घमंड मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं घमंड पे झटका पड़ा है। कुलदीप बिश्नोई जी का जो घमंड जो रहा होगा कि 30,000 पे तो हम कांग्रेस की टिकट पे जीते थे, कांग्रेस विपक्ष में है, सत्ता दल बीजेपी है, कुछ बढ़ाओ बढ़ाएंगे, उपचुनाव है, जेजेपी भी साथ आ गई है जी, यहाँ से जेजेपी की भी वोट आती रही है, इनेलो की भी वोट आती रही है, वो लोग साथ हैं, और तो कुछ मार्जिन बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी और इनेलो के साथ भी गुप्त समझौता है, कांग्रेस की राह में वो प्रयास रोड़ा जाने के प्रयास हैं, लेकिन सब कुछ के बाद कुछ तो मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन जब मार्जिन घटा और आधा हुआ तो मैं समझता हूँ गढ़ तो लोगों का होता है, वो हमेशा रहेगा, छत्तीसगढ़ आदमपुर के लोगों का गढ़ है, लेकिन घमंड पे झटका जरूर पड़ा होगा मेरा ये मान। चले एक छोटा सवाल और मेरे दिमाग में आ गया, ध्रुवीकरण को लेकर बात होती है अक्सर कि जब भी कभी चुनाव होता है तो किसी न किसी को लेकर चीजें हो जाती है, यहाँ पर आपको ऐसी चीजें नजर आई कहीं? देखिए यहाँ पे एक बड़ी जो मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ वो ये मानता हूँ कांग्रेस पार्टी के चुनाव की आप एससी बूथों का अगर आप एनालिसिस करेंगे, 22 के करीब 80 बूथ हैं 180 में से, हम लगभग एससी बूथों पे आ गए हैं, तो यानी कि आज हमें छत्तीस बिरादरी का साथ मिला है। मैं ये नहीं कह सकता
कि भाई हो सकता है कि शायद बिश्नोई समाज में हमें कम साथ मिला हो, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ हमें वहाँ भी साथ मिला है और उस बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी लगभग हर 36 बिरादरी का हमें साथ समर्थन मिला इस चुनाव में और ऐसी बूथों पे हमारा जीतना एक शुभ संकेत है कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए, तभी हम 52,000 पे आगे खड़े हो गए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए दीपेंद्र हुड्डा साहब। तो दीपेंद्र हुड्डा हमसे बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिनकी तरफ से कहा गया कि हम चुनाव मजबूती के साथ लड़े हैं, 36 बिरादरी का साथ हमें मिला, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि हो सकता है कि बिश्नोई समाज की तरफ से हमें जरूर वोट कम मिला, हालांकि वहां से मिला, उनकी तरफ से जरूर कहा गया, पर उन्होंने ये कहा कि ध्रुवीकरण नहीं हुआ। और कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा कि वो लगातार एक बात कहते रहे कि 30,000 तक सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी, हमारा यहाँ पर 51,000 यानी लगभग 52,000 वोट हासिल करना यह दर्शाता है कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। मैंने संगठन को लेकर सवाल किया कि क्या मानते हैं कि संगठन को और मजबूती से काम करने की जरूरत है, तो कहा कि हम सांगठनिक तौर पर मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद देखिए क्या परफॉर्मेंस दी और उसके बाद इस उपचुनाव में देखिए क्या परफॉर्मेंस है, यानी स्पष्ट तौर पर वो कहना चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है मजबूत हो रहा है और इस चुनाव में हमने बेहतरी के साथ अपना प्रदर्शन दिया है और आने वाले जो चुनाव है 24 के उनमें कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज